नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और सामने जो फ्रेम में एक चीनी मिल दिखाई दे रही है जो बंद हो चुकी है। आज़ादी के पहले चीनी मिल की शुरुआत हुई थी साल 1927 में और लगाया तब 2021 में हम खड़े हैं और साल 2013 से ये चीनी मिल का कामधाम बंद है। लेकिन यहीं पर एक पैराडॉक्स है, एक एनोमली है जो देखने को मिलती है। चीनी मिल का मेन गेट पीछे है, गार्ड साहब उधर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, पूछताछ करते हैं किसको अंदर आना है किसको अंदर नहीं आना है। इधर आप आते हैं तो 17 नवंबर 2021 यानी पिछले महीने की ही डेट की सूचना चस्पा है, जिसमें कर्मचारियों को और अधिकारियों को कहा जाता है कि 19 तारीख और 20 तारीख को छुट्टी रहेगी, नहीं आना है। 2 नवंबर 2021 को भी चार तारीख की और 5 तारीख की छुट्टी की नोटिसें चस्पा की जाती हैं। इसके पहले पिछले महीनों की भी अक्टूबर के महीने की भी नोटिस चस्पा है। अब मज़ेदार बात यह है, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये मिल 2013 से बंद चल रही है और फिर भी नोटिस चिपकती रहती है कि आप लोगों को आना है। अब पीछे जो लोग दिख रहे हैं खड़े बैठे हुए, ये लोग तो यहाँ के कर्मचारी हैं और 2016 से बिना काम और बिना वेतन के वो रोज़ यहाँ आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और अपनी ड्यूटी का समय पूरा करके अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें अभी तक रुकी हुई हैं, हमें ऐसा पता चलता है। किसी को भी, गार्ड से लेकर साहब जो यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो भी किसी के पास कोई तनख्वाह अभी तक नहीं है। और इन लोगों से ही हम बातचीत करेंगे, पूरा मामला जानेंगे। क्या नाम है भी आपका? भोलानाथ। भोलानाथ जी, भोलानाथ, भोलानाथ जी, बोलना जी, ये बात सही है कि सब लोग रोज यहाँ पे केवल हाजिरी लगाने आते हैं? सभी और ड्यूटी बस पूरा किए, जितने भी स्टाफ यहाँ हैं अभी बचे हुए हैं, सभी लोग अपने समय से यहाँ जब टाइम ऑफिस खुलता है अटेंडेंस लगाते हैं और रहते हैं और सब अपने समय से जाते हैं। अपने समय से जाते हैं जी। अच्छा, और मिला जुला के ये बताइएगा कि कितने स्टाफ हैं टोटल यहाँ पे, कौन बताएगा? आप बताइएगा भैया जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश मिश्रा नाम है। हाँ, अखिलेश बताइए। सर, यहाँ कर्मचारी हैं जी? कर्मचारी हैं, सेल्स डिपार्टमेंट देखते थे, सुगर सेल जो यहाँ चीनी बनती थी उसको बेचते थे। हाँ। चलिए सर। हाँ। तो यहाँ पे अभी लगभग 150 कर्मचारी हैं, जिसमें परमानेंट जो हैं, जो पर डे आने वाले कर्मचारी हैं, वो 140 लगभग हैं। अच्छा। और 110 कर्मचारी जो सीजनल है, मतलब सीजन में ड्यूटी करते हैं, मौसमी कर्मचारी जिसे कहते हैं। अच्छा, तो वो नहीं आते हैं। ये 40 कर्मचारी पर डे आते हैं और 2016 से अब तक इनको एक भी पैसा नहीं मिला है। बीच में आरसी हुई थी श्रम विभाग द्वारा, तो उसमें कुछ पैसा मिला था। हाँ। मिल को काट के बेच के मिला था। हाँ। उसमें भी गलत हुआ, वो इनको स्क्रैप वगैरह बेच के देना था, तो वो उन मिल काट के ही पैसा दे दिया। आरसी मतलब रिकवरी चालान जो होता है, रिकवरी हुआ था श्रम विभाग द्वारा तहसील के थ्रू, तो वही मिला था हम लोगों को पेमेंट। उसके बाद से एक भी पैसा नहीं मिला है। यहाँ पे जितने कर्मचारी, जैसे बुजुर्ग कई लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, किसी का ड्यूज कोई नहीं मिल रहा है। प्रोसेस यहाँ सब होते हैं, सैलरी सब की बनती है, पीएफ सब का कटता है, सब कुछ होता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। सैलरी बन रही है जी सर? सैलरी बनती है, टाइमली बनती है सैलरी, 30 तारीख के अंदर बन के चला जाता है ऊपर पोर्टल बैंक के। अच्छा, क्या होता है मतलब आप लोग अटेंडेंस भेज रहे हैं ऊपर लगाता है सब कुछ और बराबर जाता है, कोई चीज़ नहीं, छुट्टी जो कि जिसका मिलना है कटना है सब लगता है। हाँ, उसमें कहीं कोई आपको कमी नहीं मिलेगी, बल्कि ऊपर तक इनका जो विकास भवन एक सरकारी डिपार्टमेंट है, वहाँ अटेंडेंस टाइम भेजा जाता है। हाँ, इनवॉइस वगैरह आप लोग चढ़ाते रहते होंगे ऊपर? सब कुछ, सब कुछ अपडेट होता है, पूछा जाता है ना, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, केवल सैलरी नहीं मिलती है, सारा प्रोसेस होता है, बस ये कि पेमेंट नहीं है। आजकल आए दिन यहाँ 2-4-10 गाड़ियाँ कबाड़ी, मतलब जो स्क्रैप लेने वाले होते हैं रोज आते हैं। हाँ। रोज लॉलीपॉप, अभी पीछे कुछ दिन पहले शर्मा जी एक आए थे। अच्छा, तो हम सब बात करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ पे ऐसे बात करेंगे ना कि जिस लोगों को समझ में भी आए। जी जी, जी। आप बता रहे हैं कि 150 लोगों को 6 साल से सैलरी नहीं मिली है? जी जी सर जी, ना जी, 6 साल से जी। कितनी सैलरी है यहाँ पे अमूमन ऑन एवरेज कर्मचारियों, कितनी सैलरी है? 10 से 12 लाख पर मंथ, 10 से 12 लाख रुपए कर्मचारियों की सैलरी पर जाता है। और आरसी वगैरह इशू हुआ था, उसके बाद कुछ बकाया किया गया था, चुकाया गया था आप लोगों जी? कुछ चुकाया गया था, उसमें 87 लाख का रिकवरी हुआ था। हाँ। तो उसमें कुछ मिला था, 87 लाख में 1-2 साल का मिला था। मतलब ये देखिए, फैक्ट्री बंद होने का जो मतलब एक प्रमाण है, सर्टिफिकेशन है,
वो मतलब बंदरों की भीड़ देखकर आप लगा सकते हैं। पीछे भी अमितेश उधर भी दिखा सकते हैं आप, उधर बंद है पूरा, लोग बंदर बंदर घूम रहे हैं, झाड़ झंखाड़ उग गया है पूरी फैक्ट्री भर में। अच्छा, जब ये फैक्ट्री चल रही थी तो कितना प्रोडक्शन होता था? 6000 टीसीटी की फैक्ट्री है, लगभग 3500 से 4000 बोरे पर डे चीनी बनते थे। हाँ। 60000 कुंटल गन्ना क्रश होता था। अच्छा जी, इतना चीनी बनता था जी। और इस साल में सर बंद हुई है 2013 में, उस साल 3 लाख बोरे चीनी बने थे। 3 लाख बोरा चीनी बनता। आप सेल्स हैं इसलिए आपको इतना आइडिया। जी जी जी। अच्छा, ये सबसे पहले 27 में जब शुरू हुई थी तो इसको नारंग ग्रुप, लाहौर से कर्म व्यापारी आया था जिसने शुरू किया था, है ना जी, और फिर नारंग ग्रुप के साथ मिलकर चलाया गया था इसको। जी, जी, जी। कब तक क्या कहानी है मिल की, क्या कहानी है, कौन बताएगा? मिल की कहानी जो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉई हैं। हाँ। नारंग साहब जब से मतलब वो आए यहाँ, किसी भी स्थिति में रहे हो, वो कभी वर्करों का अनहित नहीं चाहे, कहीं से भी चाहे, जहाँ से जब भी उनकी स्थिति बिगड़ी हो, वो भी हुआ हो, वो पेमेंट 2007 तक का कहीं कोई रुकावट नहीं आया था। लेकिन 2007 के बाद बजाज ने लिया, 2-3 साल तक अच्छा चला इनका, लेकिन क्या ऐसा इनके ऊपर ऐसा वो समस्या आ गई जो हम लोग 2009 से ही मडराने लगा संकट, और 13 में आकर के ये दिसंबर में जो ये 13 में सीजन चला है, उसके बाद पता लगा ये बोले कि हम इसको रोकना चाहते हैं, वो गन्ने का अभाव है। नारंग ने बजाज जी को बेच दिया। हाँ, वो 2007 में बिक गई थी, उनके अधिकारियों का क्या उसमें था, उन्हीं की वजह से बंद हो गई। और हम लोग क्या जानते थे एम्प्लॉय की क्या हो रहा है, हम लोग तो कोई मालिक है, हम लोग बड़ा खुशहाल थे, बजाज साहब और अच्छे आ गए हैं और बड़े मालिक हैं, इनसे काफ़ी हमको सहारा मिलेगा, काफ़ी हम लोग के बच्चों खुशहाल होंगे, लेकिन ऐसा देखने में जो लगा वो बहुत ही और बेकार हो चुका था। समझ लीजिए आज के डेट में हम लोग जिस तरह से टूट गए हैं, ये बाज़ार में आज के टाइम में काम भी नहीं मिलने वाला है। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो डेली हम लोग ताना सुन रहे हैं, स्कूल से फ़ोन आ रहा है, फीस नहीं जमा करोगे, बच्चों को ज़मीन बैठा देंगे और जो है बच्चों को निकाल देंगे, बच्चे भी आके घर पे शाम को झगड़ा करते हैं कि पापा आप क्या कर रहे हो वहाँ बैठ करके, वो मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, आप पोर्टल दीजिए, नंबर दीजिए, हम उस पर भेजें। तो मुख्यमंत्री क्या हमारे यूनियन लीडर 5-5 बार मिले लखनऊ गोरखपुर वगैरह, मुख्यमंत्री जी का कोई बहुत अच्छा कार्रवाई इस पे नहीं नजर आया। अखिलेश जी से कि योगी जी से? नहीं, योगी जी से, इस समय शासन सत्ता में योगी जी। दो लोगों से, अखिलेश जी के सरकार में ही मिल बंद हुई थी। हाँ। और उनसे भी मिला गया था तो वो नहीं चलवाए, मतलब कहे कि मिल नहीं चल पाएगी। हाँ। आगे देखते हैं क्या होगा, बाद में ये हुआ। हाँ, मिल नहीं चल पाएगी। जी जी। अच्छा। मिल नहीं चल पाएगी तो उसका परिणाम भी उनको मिला, और उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, ये कहे थे कि हम चलवाएंगे, तो इनसे भी 2-3 बार मिला गया, लेकिन इन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बंद किया, हम कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि मोदी जी से क्या हुआ, हमारे 5 लोग मोदी जी से मिलने गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ मिल चुके हैं। हमारे इन्होंने लीडर्स गए थे और किसान गए थे वाल्टरगंज के। हाँ। 2-3 कर्मचारी यहाँ से गए थे। अच्छा। कि उनका ये वादा था कि हम बंद चीनी मिलों को चलवाएंगे, बस्ती को भी चलवाएंगे। हाँ। और वो कह के आश्वासन के बाद, यूपी में अखिलेश जी की सरकार थी जब मोदी जी से हम लोग मिले थे। हाँ। तो उसमें कहे कि मोदी जी कहे कि अगर हम वहाँ पैसा भेजते हैं तो वो चल नहीं पाएगा। हाँ। आप हमारी सरकार बनवाइए, आप लोग मिलके सरकार बनवाइए तो मिल चलेगी। हाँ। और उसी आश्वासन के तहत देखिए सरकार भी बनी उनकी, 3-4 बार मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले भी, लेकिन आज तक उसका कोई परिणाम मिला नहीं हम लोगों को। कि माननीय योगी जी आ जाएंगे, सत्ता में आ भी गए, पूर्ण रूप से इनका सहयोग भी किया गया। एक बार मुलाकात हुई सरकार से टोटल आपको? तीन बार हुई है हमारे यूनियन लीडर आशुतोष जी, 3-4 बार इनसे, इन लोगों से पर्सनली जाके मिल चुके हैं, आश्वासन भी देते हैं, कुछ कार्रवाई होगी, कुछ कार्रवाई। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी मिल कट के चली गई, और मिल कटी इसलिए कि इसको दोबारा चलाना ना पड़े। अच्छा, इसको एक बार नीलामी का इसका नोटिस आया था और आप लोगों ने इसका विरोध किया था, खबर ये है जी कि आपकी नीलामी होने वाली थी और आप लोगों ने विरोध किया था। जो चिमनी पे चढ़ गए थे 3 लोग। हाँ, हाँ, 165 किलोमीटर है, 165 मीटर ऊपर। हाँ, फिट। हाँ, 165 फीट चढ़ गए थे। हाँ, चढ़ गए थे 3 लोग। काहे? ये तनख्वाह नहीं दे रहे थे इसी नाते। नहीं, वो बोले मिल ना चले, वो कटे, विरोध किए थे, मिल ना कटने को। हाँ? मिल ना कटने पाए, इसलिए हमारे 2-3 भाई चढ़े थे बॉयलर पे। हाँ। कि मिल ना कटे, ये मैनेजमेंट कोई व्यवस्था बना दे। हाँ। जिससे मिल भी मेरी बची रहे, मिल चलाना हो ये चलाएंगे, मिल नहीं कटेगी तो हम लोगों का भविष्य अच्छा रहेगा। हाँ। इसलिए लोग चढ़े थे कि मिल ना कटने पाए, आरती जरूर हम लोगों ने कराया। हाँ। लेकिन साल भर तक हम लोग रुके रहे कि किसी तरह पेमेंट वेमेंट कर देंगे तो फैक्ट्री तो अपनी बची रहेगी, फिर चला सकते हैं तो हम लोगों का नौकरी तो बनी रहेगी। 18 महीना तक रोके रहे कि कटने ना पावे, इसीलिए हम लोग विरोध।
तो इसीलिए हम लोग विरोध था कि मिल चालू भी हो जाए, आप लोग का बकाया भी मिल जाए। हाँ, मिल जैसा है। और मिल को कटने के लिए विरोध नहीं किए थे, सैलरी भले ही नहीं मिल रही थी, सैलरी के लिए किया गया था, लेकिन मिल बची रहे मेरी, और ये कोई बीच का रास्ता निकाल के पैसा दे दे और मिल चलने की स्थिति में रहे, ना कि कटने के लिए हम लोगों ने विरोध किया था। 2013 से 16 तक आप लोगों को सैलरी तो मिली है। हाँ, दिसंबर तक दिए हैं। हाँ, और उसके बाद क्या कही ये लोग, बंद करने वाले कोई नोटिस दिए क्या कुछ बात? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले एक दो महीना लेट हुआ, फिर चार महीना लेट हुआ, फिर छह महीना लेट हुआ, लेट होते होते ऐसे करके फिर धीरे धीरे बंद ही हो गया। ये लंबा समय खींच ले गए, जो आज 10 महीना 12 महीना हुआ, उसके बाद ये समय को और बढ़ाते गए। बीच में कोई पीरियड आया इसमें थोड़ा सा पेमेंट किए आप लोगों को? वो नहीं दिए, वो पेमेंट जो है आरसी के थ्रू जो वही नीलामी हुआ था उसी से मिला था। जो आए थे उनके माध्यम से वही कटी है, तो वही पैसा 10 महीने का हम लोग को ही दिलवाए थे 24 महीना पहले। एक और मिल है वो भी बंद हो गई वाल्टरगंज में, तो इसी बीजेपी की शासन की बात है, ये बंद हुई 2016 में बंद हो गई। अच्छा जी, 16 में वो भी बंद हो गई? जी 16 में वो भी बंद हो गई, वो भी इनकी सरकार में बंद हो गई। ये हुआ था कि चलाएंगे पर डे, वहाँ जो है नए नए पार्टियाँ आती हैं, कहती हैं मिल हम ले लिए हैं, मिल हम चलवाएंगे, लेकिन ना वो पार्टी दिखती है एक महीना बाद, ना वहाँ के लोग दिखते हैं, कोई दिखता नहीं है। केवल सिर्फ इतना है कि हम आएंगे, आश्वासन देंगे। अभी कल भी 4-6 गाड़ियाँ आई थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम पूरा खरीद लिए हैं, ज़मीन हमारी हो गई है, मिल हमारी हो गई है, अब हम इसके मालिक हैं। पहले वर्मा जी आए, उसके बाद शर्मा जी आए, सब आते गए और जाते गए, लेकिन किसी का कुछ हो नहीं पाया। देखिए सारे सिस्टम सर पड़े हैं और सब कुछ वैसे सामान था, क्यों मतलब, नीलामी के तहत कटा। अगर मतलब देख लिया जाए तो ये है इनका कांटा है, धर्म कांटा है ना आपका, ये कांटा है, मतलब ट्रक आता है गन्ना से लदा हुआ, इसके ऊपर चढ़ जाता है, इस पूरे इसके ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे इसके बीच में जाता है, तो पूरा तौल इसके ऊपर होता है गन्ने लदे ट्रक का। ट्रक ग्रास कांटा लिखा हुआ है, 60 टन की इसकी लिमिट है। प्रांतीय अधिकारी कार्यालय भी है। हाँ, सरकारी अधिकारियाँ बैठते थे पास करके, तो जो सीढ़ा वाला टैंकर उनका निकलता था उसके लिए इनका ऑफिस बना है। ये जो देख रहे हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है, देखिए सन 1927 की है, यहाँ पूरा आपको मिलेगा डिटेल। इस पे देखिए नारायण जी का जब बना था तब, ये देखिए बोर्ड पूरा मिलेगा आपको, देखिए ये देखिए। अच्छा, बस्ती शुगर मिल स्थापित बस्ती 1927, यूनिट ऑफ फिनिल शुगर प्राइमरी। हाँ, नारंग जी ने जब दिया होगा तो फेनिल वालों ने अपना नाम लिखवा दिया। हाँ, और ये कैसा फेसी वेसी लगा है ऊपर, किसका? अकाउंट विभाग है ये, अकाउंट लेखा विभाग है, इसमें सब हिसाब किताब का सारा, बहुत बड़ा ऑफिस है, सारे रिकॉर्ड बहुत पुराने सब पड़े हैं, सब सड़ जा रहे हैं, उसमें कोई खुलता नहीं है, अभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी खुलता नहीं, वो सब बंद है, सब सड़ जा रहा है, सब कुछ सामान था लेकिन सब बर्बादी की तरफ हो गया है, सब कुछ दिक्कत है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठते हैं, वो ऑफिस सामने पड़ा हुआ है, सब दिख रहा है। उसके बाद गन्ना दफ्तर है, जो केन ऑफिस का सारा काम होता था, उधर परचेजिंग का जो हमारे अधिकारी बैठते हैं, वहाँ स्टोनो साहब का ऑफिस, सब कुछ यहाँ, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप थोड़ा आगे भी बढ़ते देख सकते हैं। बीच में वर्मा जी आ गए थे, बोले हमने ले लिया है, मिल चलवाएं। अरे वर्मा करके आए थे 2 साल पहले। अच्छा, तो बोले कि मिल हमने ले लिया, इसको चलवाएंगे, आप लोगों की नौकरी चाकरी जब सब ठीक ठाक से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इसमें और विस्तार करेंगे। और तब हम लोगों को धोखा ही नज़र आया। जहाँ तक सवाल है कि ये उम्मीद थी कि हम लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई बाधा जो दूर हो जाएगी, बच्चों का शादी विवाह और सारी समस्याएं आगे जो आ रही है हल हो जाए। घर कैसे चल रहा है? पीएफ तो कटता ही आप लोगों का, पीएफ का वही एक सहारा है, जान लीजिए वो भी धीरे धीरे करके पैसा निकालना है अपने। हाँ, पीएफ से निकाल के खा चुके होंगे, पर कोई है नहीं पैसा तो निकालना पड़ता है। पीएफ तो आदमी भाई बाद के लिए रखता है कि जब रिटायर होंगे, तो जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आखिर क्या करेंगे, जिंदा रहने के लिए दवा वगैरह जरूरी है, खाना पीना जरूरी है। अब जब हम ठीक ठाक रहेंगे तभी ना कोई रास्ता बना पाएंगे। मुरारी जी, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये ऐसा होता है कि कई सारे लोग जब ऐसी नौकरियां जाती हैं तो दूसरे काम भी शुरू करते हैं, कोई जनरल स्टोर खोल लेता है, कोई कहीं और थोड़ा सा काम कर लेता है। हाँ, टाइम नहीं मिल पाता, अब यहाँ आना रोज पड़ता है, रोज आके हाजिरी देना। हाँ, हाजिरी रोज देना। हाँ, आप बताइए सर, अगर हम समय से यहाँ नहीं आएंगे तो यहाँ आज भी सिस्टम जिंदा है कि हाजिरी क्रॉस कर दी जाती है? आइए चलिए देखते हैं। हाँ, हाजिरी क्रॉस हो जाती है, अगर टाइमली आदमी नहीं पहुँचा। हाँ, तो यहाँ मान लीजिए जो भी वहाँ लगाने वाले हैं, मान लीजिए
तो वो टाइमली वो सब काट पिट दिया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है। कितने कितनी दूर से कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? कर्मचारी यहाँ कुल मिला के 10 किलोमीटर के मान के चलिए हैं। 10 किलोमीटर के और बहुत सारे अभी लोग हैं, अभी और कॉलोनी में 100-150 आदमी हैं। अच्छा। जो कुछ लोगों का ट्रांसफर बजाज के लोगों ने कर दिया था, अधिकारियों ने कर दिया है। हाँ। तो वो लोग मान लीजिए उनके परिवार लेके नहीं रह रहे हैं। अच्छा, वो लोग परिवार मान लेके यही रह रहे हैं, कॉलोनी में ही रहते हैं। बहुत लोग बहुत बाहर के हैं। हाँ। बाहर जैसे एक लोग हैं हरदोई से, वो उनका यहीं रह गए, अभी 5-6 साल बचा है, बच्चे यहीं हैं। ये मतलब सबका चल रहा है। कंप्यूटर देखिए मितेश, 15 किलोमीटर हम लोग डेली आते जाते हैं जी। हाँ, ये सब पूरा बंद हो गया ना, कंप्यूटर एकदम डिलैपिडेट पड़ा हुआ है, बदबू भी आना, कोई जानवर मरा हुआ है शायद। हाँ हाँ, अच्छा, इधर गार्ड का रूम है, इधर आपका वो अलग अटेंडेंस ऑफिस है, हाजिरी दफ्तर है, वो सिक्योरिटी दफ्तर है, ये हमारे सुरक्षा अधिकारी का ऑफिस है। सब कोई बिना पैसे का काम कर रहा है? सब आ रहे हैं। नहीं, इसमें कुछ ऐसे है जो अधिकारी गढ़ हमारे 2-1 है जो पाते हैं पैसा, अधिकारी लोग पैसा पाते हैं। हाँ, 1-2 आज काम यहाँ का देखते हैं, बैठते रुधौली पे हैं, प्रतापपुर बैठते हैं, तो उनको वहाँ से काम करते हैं, तो उनको वहाँ से सैलरी मिल जाती है, काम लोगों का करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, सब कुछ वो करते हैं। हाँ, कर्मचारियों का अटेंडेंस वगैरह लगता है, सब रिकॉर्ड रखा हुआ है, यहाँ से सब बना के वेतन फेतन यहीं से सब भेजा जाता है। ये है मतलब आपका अटेंडेंस रूम? जी, अटेंडेंस रूम है सर। ये अटेंडेंस रजिस्टर है? जी, अटेंडेंस। सर देख सकते हैं इसको? हाँ, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो स्वामी लोगों का है, सारा दवाइयों का है, लिखा हो विभाग वाइज। टाइम ऑफिस रजिस्टर 2021 का। हाँ भैया, यही है आप लोग का रजिस्टर? 7 तारीख का, 7 दिसंबर 2021, 7 तारीख यानी आज का दिन ना मितेश? आज का दिन सबका साइन हुआ पड़ा हुआ है। देखिए सर, जो नहीं आता उसका क्रॉस होता है। ये सब देखिए, जिसका जो जो नहीं आते उनका क्रॉस हो जाता है, जहाँ अब्सेंट प्रेजेंट सब कुछ होता है, सारा प्रोसेस है, लेकिन सैलरी नहीं मिलती है। देखिए ये नहीं आ रहे हैं आज इतने दिन से, तो इनका अब्सेंट लग रहा है। देखिए क्रॉस, ये आते हैं तो इनका लग रहा है, मतलब जो आते हैं उनका लगता है, जो नहीं आते उनका क्रॉस होता है, सब कुछ होता है। इसके बाद एक मॉनिटर और है वो रखा हुआ है। हाँ, वो जैसे ये कच्चा होता फिर पक्का पर जो फार्म क्या बोलते भैया उसको, फार्म 12 मेन रजिस्टर होता है। अच्छा, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, जैसे ये हर विभाग का अलग अलग रजिस्टर बना है, सब लोग अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, सब कुछ होता है, बस सैलरी नहीं मिलती है। लोग अभी ये कार्ड है, इनका सब कुछ होता है। देखिए कार्ड में अटेंडेंस लगती है, जैसे पहले प्रथा थी पुरानी, तो उसमें लगता था उसी से, पहले जो वैसे पंच होता था पहले। हाँ, हाँ, जॉब कार्ड की जो घुसते हैं पंच किया और बताया कि हाउस में कहाँ काम करते हैं सब लिखा है इस पे, तो ये चढ़ाया जाता है। और जो लोग जिन लोगों का बकाया है पेमेंट, वो लोग किस किस ग्रेड के कर्मचारी हैं, क्या क्या करते रहते हैं, एक अंदाजा मोटा मोटी? बिजली बोर्ड के ही कर्मचारी हैं, बिजली बोर्ड में जो सैलरी होती है बिजली बोर्ड के थ्रू, वही कर्मचारी बचे हैं, मतलब बिजली बोर्ड के ही कर्मचारी लगभग 20-22 हज़ार तक की सैलरी है यहाँ पे जो लोग बचे हैं। पर मंथ एक लोगों की लगभग 20-22 हज़ार आती है सैलरी, और वो सब पेंडिंग पड़ी है 4 साल से, किसी को नहीं मिल रहा है, कैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं। फेनिल के ऑफिस में आप लोग गए? फेनिल के ऑफिस में हम लोग लखनऊ गए, बजाज की है वो, फेनिल की कोई ऑफिस नहीं है, बजाज की ही ऑफिस है, उसी में फेनिल बना रखा है उन्होंने ग्रुप अलग होगा। हाँ। जी, वो अपना ग्रुप बना रखा है, देखते सब वही अधिकारी कर्मचारी हैं। हाँ। बस ये कहते हैं वहाँ पे कोई इनकम नहीं है तो सैलरी नहीं मिल पाएगी, जब होगा हिसाब किताब प्रोसेस में सब है तब हो जाएगा, बिक जाएगी तो हिसाब किताब हो जाएगा। ना हिसाब किताब हो रहा है, ना बिक रही है, ना कुछ हो पा रहा है। कोई भी आता है तो फिर देख के चला जाता है, 4-4, 6-6 गाड़ियाँ रोज आती हैं, वो देख के ही जाते हैं, मतलब कि स्क्रैप लेने आए हैं। कोई आएगा कहेगा हम तो मालिक हो गए हैं, पूरा खरीद लिए हैं। हाँ। अब आप लोग परेशान मत होइए, हम आप लोग का सब हल कर देंगे। 10 दिन बाद पता चलेगा कि वो भाग गए। हाँ। 15 दिन बाद कोई नया आ जाएगा। हाँ। सब कुछ ऐसे ही हो रहा है सर, बस वही दिक्कत है कि सारा प्रोसेस होने के बाद भी कोई सैलरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, बच्चों को बड़ी दिक्कत है। बंदर कोई दिक्कत तो नहीं करते? बंदर बेचारे वो खुद भूखा मर रहे हैं, देखिए क्या स्थिति बना रखी है। पहले रहते थे तो चलना चूसते थे, सब गन्ना वन्ना चूसते रहते थे, सब कुछ था, भूखो मर रहे हैं बेचारे। देखिए देखिए, आदमी तो आदमी लगाव हो गया, लेकिन जानवर भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, पड़े हैं सब। तो बस्ती में शुगर मिल जो है ये रेलवे स्टेशन के पास है, और गेट भैया मंत्री जी हैं, वो बहुत मेहनत की इसके पीछे, मंत्री जी आशुतोष जी हैं, यूनियन के मंत्री जी हैं, बहुत मेहनत की बेचारे, लेकिन सफलता नहीं मिली,
और अभी भी आज भी लगे हैं हम लोग के वेतन के लिए ही कचहरी में गए हैं, जो कुछ पैसा पेंडिंग था उसी के चक्कर में गए हैं कि कुछ मिल जाए कम से कम 10-5 हज़ार। बच्चों का फीस पास स्वेटर वेटर हो जाए, मान ली ठंडक आ जाए, स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए आपसे उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। बाकी वो बहुत मेहनत किए, अथक प्रयास के बाद भी नहीं चला, प्रयास में लगे हैं, मोदी से मिले, यहाँ योगी से मिले कि फैक्ट्री चले, मेरी मिल कटे ना। और देखिए एम्प्लॉय जो चढ़े हुए थे बॉयलर पर, इसी वजह से चढ़े थे, भले हम लोगों को वेतन लेट मिले लेकिन मेरी मिल न कटे, लेकिन यहाँ के जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनका चक्कर था दिलवाना कि इसको कटवा ही दिया जाए, जैसे इन लोग मांगे ही ना, इनका समस्या ही सब खत्म हो जाए, तो हम लोग का क्या होगा कि हम लोग तो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि करूँ क्या, हम लोग क्या करें अब। चलिए तो ये बातचीत हम लोग यहाँ से जो लेकर आ रहे थे बस्ती के शुगर मिल से, और इस पर बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इन दिक्कतों को, इन समस्याओं को समझें। ये हमारे पीछे जो पूरी फौज चल रही है सर, हाँ हमारे पीछे जो पूरी फौज चल रही है, पूछा पूरा डिलेबरेटेड कंडीशन में पूरी चीनी मिल पड़ी है, कंप्यूटर उखड़े हुए, गेट वेट अपनी 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 गति को प्राप्त हो चुका है चीनी मिल। तो जाहिर सी बात है, अगर समस्या इतनी ग्रेव है, स्थिति इतनी गंभीर है, तो सरकारों को और अथॉरिटीज़ को जो इसको चला रहे हैं, जो इसका ख्याल रखने का दावा कर रहे हैं, जिनके पास इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर, इस पूरे अर्थशास्त्र को लेकर अलग अलग किस्म के दावे हैं, जाहिर सी बात है उनका ध्यान इस तरफ भी होना चाहिए, पुख्ता होकर सभी चीज़ों को वेरीफाई करके अथॉरिटीज़ को अपने कदम इस दिशा में आगे बढ़ाने चाहिए। आप ललन टॉप पर यह बातचीत देख रहे थे, आपको कैसा लगा? मेरे साथी अमितेश और आयुष थे इस बातचीत में हमारे साथ, शुक्रिया।